हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, मुंबई की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सहायक प्रोसेस तकनीशियन और सहायक बॉयलर तकनीशियन और सहायक प्रयोगता विश्लेषण के और अदर भी पोस्ट हैं इसके अंदर। तो इसमें कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन, कितने फीस आपको पे करनी होगी और कैसा भी आवेदन को भरेंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com पर। तो आपको यहाँ पर आके कैरियर के ऑप्शन में जाना है दोस्तों। जैसे आप कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका एक दूसरा पेज ओपन होगा और यहाँ पर आके आपको व्यू अवेलेबल पोजीशन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इनके जितने भी जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं जॉब के रिगार्डिंग, वो सब आपको यहाँ पर ओवर करंट ओपनिंग यहाँ पर आपको दिख, जहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी मुंबई रिफाइनरी न्यू अपडेट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन हेयर का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, अप्लाई हेयर का और व्यू एड और इंग्लिश और हिंदी में। तो आप यहाँ से जो इनके एडवर्टीजमेंट आया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हिंदी पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी जो PDF है वो ओपन होगी दोस्तों। और यहाँ से इस जो की जो भर्ती हुई है उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 1/10/2018 से लेकर 31/10/2018 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है दोस्तों इसके अंदर वो सहायक प्रोसेस तकनीशियन की पोस्ट है, जिसमें 60% कुल योग के साथ मुख्य विषय रसायन विज्ञान लेकर BSc या 60% कुल योग के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया हुआ हो। तो इसमें जो पोस्ट तो टोटल वो 67 है। SC ST OBC की जो पोस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है, जिसमें विकलांग पद जो है वो अलग से दिए हुए हैं। फिजिकल हैंडीक्रैफ्टेड जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सहायक बॉयलर तकनीशियन की जो पोस्ट है इसमें SSC या MSc या समकक्ष के साथ प्रथम श्रेणी बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसमें जो टोटल पोस्ट है वो 6 हैं। तो ऐसे ही सहायक प्रयोगशाला विश्लेषक की जो पोस्ट है उसमें BSc 60% कुल योग के साथ और मुख्य विषय के रूप में केमिस्ट्री और मुख्य विषय केमिस्ट्री में 60% कुल योग होना चाहिए। तो इसकी जो पोस्ट है दोस्तों वो 7 हैं। और ऐसे करके जो नीचे आप देख सकते हैं सहायक अनुरक्षक तकनीशियन की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की वो यहाँ पर दी हुई है। सहायक अनुरक्षक तकनीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन और सहायक अनुरक्षण मैकेनिकल और फायर ऑपरेटर की ये पोस्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 122 रहेंगी। तो उसके बाद नीचे आप इसकी जो इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है भर्ती के बारे में, सहायक प्रोसेस की जो दायित्व हैं क्या क्या हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसी सहायक बॉयलर की टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके क्या दायित्व हैं, क्या उनका वर्क रहेगा, वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसमें आयु मापदंड जो है न्यूनतम आयु सीमा जो आपकी होनी चाहिए वो 18 वर्ष 1 अक्टूबर 2018 को और अधिकतम आयु सीमा 25 साल 1 अक्टूबर 2018 तक। चयन पर जो प्रक्रिया रहेगी वो यहाँ पर हुई है। आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और तकनीकी वेबसाइट शामिल है, तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं। छूट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको रिजर्वेशन जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज वगैरह में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें स्टेप दिए हुए हैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सामान्य निर्देशांक और डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें जो आपके पास होने चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की जांच सूची, तो यहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं तो सबको आपको अपलोड कर देना है दोस्तों। बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर अप्लाई हेयर का जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है वो ओपन होगा, जिसमें फायर ऑपरेटर की अगर आपको पोस्ट पर अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट के क्लिक उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही टेक्निकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर, तो जिस भी पोस्ट के आप लोग अप्लाई करना है तो उसके सामने आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करके और यहां से ओके करेंगे तो आपके सामने यह फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सेंट्रल नेम मुंबई रहेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, ये सब आपको फॉर्म को जो है वो फिल करना है। नीचे आपको
जो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर फिल करके और अपनी फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड योर रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं जिसका 1 MB से साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फ़ोटो आपको यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर देनी है और नीचे आपको आईडी क्लियर पे आलियर पर क्लिक करके और कन्फर्म पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा आपको अप्लाई करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे साथ साथ रिजल्ट के बारे में भी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।